तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग का कोई सा भी मोबाइल है, या कोई सा भी अगर आपका मोबाइल हैंग मारता है या स्लो चलता है, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं या सेटिंग बताने वाला हूं, जिससे आप अपने मोबाइल को स्लो चलने या हैंगिंग से बचा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ऐसा हो रहा है तो आपको ये सोल्यूशन 100% मिलेगा, जो कि मैं अपने मोबाइल में खुद यूज़ करता हूँ, तो वही आपको टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं आगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है डिवाइस केयर में, आपको डिवाइस केयर का ऑप्शन मिल जाएगा, डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो ये जो आपको ऑप्टिमाइजेशन का मिल रहा है, तो पहले तो कर लेना है इसको फुली ऑप्टिमाइज नाउ। तो ये पूरी मोबाइल को पहले तो हैंगिंग फ्री ये पहले ही कर देता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर और बताता हूँ, आगे चलते हैं। इसको मैं एक शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे भी करा दूंगा, तो आप हर कभी उसको इजीली ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, तो इससे भी आपका मोबाइल भी फास्ट चलेगा और हैंगिंग से बचेगा। तो सबसे पहले आपने कर लिया उसको ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपका यहाँ ऊपर मिल रहा है 3 डॉट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर देखिए मिल रहा है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कर लेना है आपने इनेबल। और जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे ऑटो ऑप्टिमाइज में, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि टाइम 3 बजे के सम 3 बजे दिन में या सुबह 3 बजे ये मोबाइल को पूरा ऑप्टिमाइज कर देता है, और पूरे जो भी फालतू की चीज़ें हैं मोबाइल में जो बैकग्राउंड में चलती हैं, ये सबको ऑफ़ कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है, जिससे हैंगिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक और चीज़ आप इसमें ऑटो रिस्टार्ट लगा सकते हैं। रिस्टार्ट करने से भी क्या होता है, जो भी बैक साउंड बैक में जो भी आपकी बैक में प्रोसेस चलती है बैकग्राउंड में, तो वो भी मोबाइल को हैंगिंग करती है एंड स्लो करती है, तो आप वहाँ से उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। जिससे रिस्टार्ट करने से क्या होगा, जो पूरी पूरी जो ऐप्स बैकग्राउंड में चलती हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और बंद हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ जाना है, ऑटो रिस्टार्ट पे ऑन पे क्लिक करना है। तो आप इसमें कौन से दिन, कौन सी तारीख और कौन से टाइम आप टाइम सेट कर सकते हैं, उस टाइम ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और उसमें कंडीशन लिखी है कब होगा, द स्क्रीन इज ऑफ, द स्क्रीन ऑफ होगी तब होगा, द फोन इज़ बीइंग यूज्ड, अगर बीइंग यूज नहीं हो रहा होगा तो होगा, द बैटरी इज़ अबाउट 30% से ऊपर बैटरी होगी तो ही होगा, और सिम कार्ड इज़ लॉक ऑफ तो ही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये फ्यूचर ऐसा काम करेगा, तो आप चाहें तो उसको इनेबल कर लीजिए, नहीं तो आप इसको डिस्ट्रॉय भी बना भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे मिल रहा है ऑप्टिमाइज सेटिंग का। इसमें क्या होता है, आप इसको इनेबल कर देंगे तो इससे होगा क्या, जो भी बैक साइड में जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली बंद करते जाएगा, आपको कोई ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को भी कम कर लेगा, ऑटो एडजस्ट कर लेगा, वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर लेगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं चलेगा, एंड देन बैटरी भी अपनी अच्छी चलेगी, बैटरी के भी लेवल बढ़ा देगा। तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ पर बैटरी के लिए देख रहे हैं, उन्हें ऑप्शन दिए हुए हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, अपने हिसाब से उसको पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो चाहे इसको इनेबल कर लीजिए, चाहे तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो मेन जो काम है उसका आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कराना है उसको, और बैटरी को ऑप्टिमाइज कराते रहना है। ये सब चीज़ें आपको कराते रहेंगे तो आपका मोबाइल ऑफ, मोबाइल की जो हैंग नहीं होगा और स्लो नहीं चलेगा। और आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने यहाँ पर करा था, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जो आप अपने होम स्क्रीन से ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है, विजार्ड पर जाना है, विजार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, विजार्ड पर जाना है, देन आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्टिमाइज, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 आपको टाइप के मिल रहे हैं, तो आप, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला टाइप वाला ले लेते हैं, उसको क्लिक करके होल्ड करके रखिएगा और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद ये आपसे पूछेगा कौन से उसमें चाहिए, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको कलर में चाहिए तो यहाँ से क्लिक हटा के इसको अपने हिसाब से कलर में ले लीजिए, नहीं तो यहाँ कर देंगे तो थीम के हिसाब से जो भी आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से ले लेगा। तो आप देख सकते हैं ये दिख रहा है 52 GB यूज्ड है एंड आपकी रैम ये सब बता रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर टैप करना है ऑप्टिमाइजेशन पे और ये पूरी तरह से ये फ्री कर देगा रैम को। आप देख रहे हैं 1.9 GB फ्री हो चुकी। अब मैं आपको पूरे डेमो करके बताता हूँ लाइक में। यहाँ से मैंने गैलरी खोला, गैलरी खोल के यूँ खोल दिया, यूट्यूब खोला जिसको मैंने खोल के यूँ छोड़ दिया, देन इंस्टाग्राम खोल दिया उसको छोड़ दिया, एंड देन सारी बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐसा खोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक दूसरा वाला विजार्ड भी ऐड कर देता हूँ, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जो विजार्ड ऑप्टिमाइज एंड देन ऑप्टिमाइज इसको होल्ड करके यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये भी आ चुका है। अब देखेंगे आप मेरी 2.4 GB की आप देख रहे हैं रैम यूज्ड हो रही है, आपको दिख रहा है।
अब मैं यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये रैम मेरी फ्री हो जाएगी, जिससे हैंगिंग की प्रॉब्लम और स्लो मोबाइल चलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप देख रहे हैं 1.9 यूज़ पे आ गया है। तो आप सिंपली आप इसको अपने डेस्कटॉप पे होम पेज पे सेव कर लीजिए, और आप इसको जब भी आपका मोबाइल स्लो चले या कोई आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम आए तो आप ऑप्टिमाइजेशन करते रहिएगा, जिससे आपकी मोबाइल स्लो नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये मेरी टिप थी जो मैं एक मोबाइल में अपने मोबाइल में करता रहता हूँ, जो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों ये आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ये यहाँ पर ये फोटो का पेज मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।